तो प्रवीण का जो विद्यालय है उन्होंने ये कहा है कि 11th 12th हम लोग आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे, चूंकि प्रवीण बिलोंग करते हैं हमीरपुर ज़िले से और इनका जो विद्यालय है वो बलरामपुर ज़िले में है। तो प्रवीण अभी अपने होम टाउन में पढ़ना चाहते हैं, राठ में एक विद्यालय चित्रगुप्त, जहाँ पर ये शिक्षा लेने के इच्छुक हैं। और इनके विद्यालय ने चूँकि ये कहा है कि आप अगर वहाँ एडमिशन लेते हैं तो हम आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे, अब देखते हैं चित्रगुप्त ऐसे बच्चों के लिए क्या करता है और क्या नहीं। प्रवीण क्या है वहाँ पे, क्या कहा है विद्यालय ने बलरामपुर में? प्रिंसिपल हैं तो उन्होंने हम दो बच्चों को हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में नाम आया है तो उन लोग हम दो लोगों को फ्री पढ़ाने के लिए कहे हैं कि फर्स्ट ईयर और इंटर आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे। तो और जो सरकारी जैसे एग्ज़ाम फीस हुआ तो वो खाली देनी पड़ेगा आपको, स्कूल फीस नहीं लेंगे वो लोग। चलिए बढ़िया, आप लेकिन चित्रगुप्त में जाके पढ़ेंगे आप? जी। चलिए तो ये चित्रगुप्त में पढ़ेंगे और चित्रगुप्त है राठ में स्थित है, राठ बड़ा फेमस है स्वामी ब्रह्मानंद जी की वजह से जिन्होंने यहाँ क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगह ही है। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बलरामपुर के हाई स्कूल टॉपर हैं और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी सफलता का राज क्या है। उनके साथ उनकी सिस्टर हैं जिन्होंने अभी 12th पास किया है, 74% लाई हैं, उनकी मम्मी हैं। तो सबसे विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं कि जो बलरामपुर का टॉपर है, टॉपर कैसे बना और क्या क्या टिप्स हैं जो और बच्चे हैं जो आगे वाले आने वाले समय में हाई स्कूल करेंगे वो कैसे टॉपर बने। तो हम बात करते हैं अपने बलरामपुर के टॉपर के जो रहने वाले हैं, भी उन्हीं गाँव के जो हमीरपुर ज़िले में पढ़ता है और बचपन से इनकी शिक्षा जो है सरकारी विद्यालय में हुई है। तो सबसे पहले प्रवीण बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता गैराज में। धन्यवाद। और आप सबसे पहले, आपने ज़िले में 7th रैंक लाई है बलरामपुर में, तो सबसे पहले अपने विद्यालय के बारे में बताइएगा हमें। मैंने प्राथमिक जो पढ़ाई की है वो सरकारी स्कूल में की है, कक्षा 5 तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद पापा के साथ चला गया था तो जहाँ पर पापा ड्यूटी करते हैं वहाँ से 6 से मैंने मतलब प्रारंभ की थी अपनी पढ़ाई, तो हाई स्कूल मैंने वहीं से किया है। विद्यालय का नाम और बता दीजिए क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो ये भी जाने कि किस विद्यालय से आप निकले हैं। विद्यालय का नाम था किसान इंटर कॉलेज सिंहवाहानी बलरामपुर। बलरामपुर में जी। आपकी सिस्टर हैं ये, आप नाम बता दीजिएगा ऑडियंस को अपना। रागिनी देवी। रागिनी जी, रागिनी जी का 12th था। यस। परसेंटेज भी ऑडियंस को बता दीजिएगा। 74.2। 74.2 रागिनी जी की परसेंटेज बनी है। और इनके भाई है प्रवीण जिन्होंने अच्छी परसेंटेज बना के बलरामपुर ज़िले में 7वां स्थान पाया है। आप भी अपनी प्रतिशत जो है तो बता दीजिए, कितना परसेंट लाए हैं आप? 91.33। और हमीरपुर के टॉपर के बारे में कुछ पता है, हाई स्कूल के टॉपर जो हैं? जी नहीं। उज्ज्वल गुप्ता है जिन्होंने हमीरपुर में टॉप किया है, उनसे भी मौका मिलता है, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आए हैं तो प्रवीण से भी बात करेंगे तसल्ली से। उनकी माता जी भी बैठी हैं तो माता जी को सबसे पहले शुभकामनाएँ कि आपका बेटा जो है बलरामपुर में टॉपर रहा है। कैसे पढ़ता था, कैसे पढ़ाई करता था? नहीं, पढ़ाई तो बहुत अच्छी करते थे। रात में, दिन में? दिन में भी करते थे, रात में भी करते थे। दिन में रात में 11-12 बजे तक पढ़ते थे। हम बोलते थे कि भैया सो जा तो कह रहे थे मम्मी आपको नींद आती है तो आप सो जा। क्या बात है, बताइए। और मम्मियों को और बच्चियों की जो मम्मी होती है उन्हें टोकना पड़ता है कि बेटा कॉपी किताब उठा के पढ़ लो, लेकिन यहाँ प्रवीण की मम्मी है जो कह रही है हमें रोकना पड़ता था कि बेटा अब सो जाओ। तो ऐसा डेडिकेशन इन्हें ले गया है जिले में, बलरामपुर जिले में 7वें नंबर तक। प्रवीण, किसका आपकी सफलता में किस किस का हाथ है, किस किस ने सहयोग दिया है, किसने बचपन से पढ़ाया, किसने यहाँ पर विद्यालय में पढ़ाया? सबसे ज़्यादा माता पिता का रहा है, उसके बाद टीचर्स का, स्कूल के। विद्यालय में कोई स्पेसिफिक टीचर जहाँ से हाई स्कूल किया आपने जिनका जिक्र करना चाहें? सर, विद्यालय में वैसे तो सभी बढ़िया पढ़ाते हैं और बढ़िया मतलब ठीक ठाक हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं वो दो ही सर हैं, एक ब्रजेश सर और एक दुर्गेश सर। चलिए, ब्रजेश सर, ब्रजेश और दुर्गेश सर। दुर्गेश सर हमको बायोलॉजी पढ़ाते थे और ब्रजेश सर मैथ पढ़ाते थे। चलिए बढ़िया, तो अगली बार आप जब विद्यालय जाओगे तो ये दो टीचर तो बड़े प्यार से बैठाएंगे, बाकी के टीचर नाखुश हो जाएंगे आपसे। ये बताइए आप कितने घंटे पढ़ते थे, जैसे मम्मी ने बताया तो क्या मतलब आपका जो स्टैटिक्स था कैसे पढ़ते थे, कैसे पढ़ाई करते थे? रात में लगभग 4 या 4 से 5 हो जाता था, कभी 12 बज जाता था, कभी बहुत ज़्यादा हुआ तो 12:30 बस।
और दिन में जब स्कूल से आते थे तो 2 घंटे पढ़ लेते थे, उसके बाद कोचिंग रहते थे तो कोचिंग 1 घंटे चले जाते थे। अच्छा, कितनी कोचिंग ज्वाइन किए थे आप? एक कोचिंग। ये बताइए, जो बच्चे होते हैं कहते बिना 3 कोचिंग के कुछ हो ही नहीं सकता है, टॉपर नहीं बन सकते है, क्या सलाह है उन्हें आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब जो विषय आपका कमज़ोर है तो आप उस विषय की मतलब कोचिंग कर लीजिए और उसका लगातार रिवीजन कीजिए। और आपका जैसे मैथ कमज़ोर है तो आप मैथ की कर सकते हैं, उसके बाद लगातार रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जी। सेल्फ स्टडी लगातार करते होंगे, 1 घंटे केवल कोचिंग गए, बाकी अपनी किताबों में गुम हो गए जी। चलिए बढ़िया। आपके विद्यालय से जो बच्चा है जो 3rd रैंक जिले में लाया है उसकी भी थोड़ा जिक्र करिएगा ऑन रिकॉर्ड, उसको भी शुभकामनाएं दे दीजिए जी। क्या नाम है उसका? विशाल कुमार। विशाल नाम है? यस सर। 3rd रैंक जिले में पाया है वो जी। चलिए कमाल है। तो आपका विद्यालय माना हुआ है बलरामपुर में जी। चलिए, तो सभी शिक्षकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जहाँ से ऐसे हीरे निकल के आ रहे हैं। हम रागिनी की तरफ भी रुक करते हैं, चूँकि रागिनी है जिन्होंने बताया 74.2% बनाई है। रागिनी, अब ऑफ कैमरा तो आपने बताया, ऑन कैमरा दोबारा बता दीजिए क्या बनना है आपको? टीचर। टीचर बनना है? कैसे बनेंगी टीचर? पूछे पिताजी से? जी पूछ लिया है। ग्रेजुएशन करने वाली है? अभी क्या करने वाली है? बीएलएड। बीएलएड करने वाली है? कहाँ से? गहरौली। गहरौली से। ये बताइए, और जो बेटियां होती हैं जिनके माँ बाप या गांव में हो चाहे इस कस्बे में हो, जिनकी ये थिंकिंग होती है कि बेटियों को तो केवल कंडे पाथने हैं, रोटी बनानी है, तो क्या कहेंगी उनके मम्मी पापा को आप? ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी जितनी ख्वाहिश तो उतना पढ़ना चाहेंगी। बिल्कुल, मतलब आप भी भविष्य में अगर टीचर बन गई तो कुर्सी तोड़ेंगी, ससुराल में भी मौज करेंगी? यार नहीं होगा ऐसा, क्या होगा फिर? नहीं, पढ़ाएंगे, जब मेहनत की है बने हैं टीचर तो अगले भी देखें कि। बिल्कुल, लेकिन कंडे तो नहीं पाथेंगी जी। नहीं। चलिए, तो सभी से अपील है और भी जो पेरेंट्स हैं कि अपनी बच्चियों को पढ़ाते रहिए। अभी इन्होंने 74% लाई है और इनके मम्मी पापा लगातार पढ़ा रहे हैं, भविष्य में टीचर भी बनेंगी, मनपसंद इनको घर मिलेगा, वहाँ भी खुशी रहेंगी। और जैसा कि मम्मी हैं प्रवीण जी की, रागिनी जी की, वो बता रही हैं कि हमारे बच्चे, रागिनी कैसी हैं पढ़ने में, कितना पढ़ती हैं? रागिनी भी अच्छा पढ़ती हैं, 12 बजे तक वो पढ़ती, वो भी पढ़ती हैं बराबर। और जो मम्मी पापा हैं उन्हें क्या कहेंगे आप, जो अपने बच्चों को पढ़ाती नहीं है? बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चियों को नहीं पढ़ाती हैं? अब नहीं, जो हम तो बोलते हैं कि पढ़ो बच्चे, हम कुछ काम नहीं करते, बच्चों को ध्यान देते हैं। हाँ, तो ये ज़रूरी होता है, घर में जो मालकिन होती है वो मदर होती हैं, मम्मी होती है, तो मम्मियों को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कैसा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इन सब पे चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ये बताइएगा, ये भी सोच होती है कुछ बच्चे गांव में होते हैं, कहते हम तो गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ रहे हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, उनके लिए क्या कहना है? ये सरकारी स्कूल ख़राब नहीं होता है, पढ़ाई होती है, लेकिन हाँ अभी कुछ स्कूल हैं जिसमें पढ़ाई ज़्यादा नहीं होती है, तो बच्चों को अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सरकारी स्कूल से ही करनी चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूल से बेसिक जो है वो मजबूत रहता है। और उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप प्राइवेट स्कूल में भी जा सकते हैं, तो उसमें भी आपको बढ़िया पढ़ाएंगे। और रही बात पढ़ाई की, तो सबसे ज़्यादा आपको खुद पर फोकस करना पड़ेगा ना, स्कूल से कुछ नहीं होता। स्कूल तो ये होता है कि हम पढ़ने जाते हैं, 6 घंटे वहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद स्वयं पढ़ना पड़ता है। तो स्कूल में मान लिया किसी दिन नहीं पढ़ाते हैं तो बच्चे घूमने लगते हैं, जबकि उन्हें खुद पढ़ना चाहिए, खुद पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता है। बिल्कुल। और ये बताइए, आपकी उम्र के जो लड़के होते हैं पबजी में लगे जाते हैं, आए दिन खबरें आती हैं अखबारों में कि आपने किसी ने पेरेंट्स को हमला कर दिया, मोबाइल नहीं दिया, तो आप उन चीज़ों से कैसे बचे? जी पबजी जो है हमने भी खेला है। खेला है? हाँ। अच्छा, लेकिन जो हम जो चीज़ करते हैं वो थोड़ी मन लगा करते हैं, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं उन पर कभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, फोकस नहीं करते। हाँ, तो पबजी हमने जब 9 में पढ़ते थे तो गर्मियों के टाइम घर आए थे, तब 2 महीने खेला था, उसके बाद जैसे स्कूल खुल गए हमारे तो हमने डिलीट कर दिया, उसके बाद अपनी पढ़ाई पर जारी। तो चलिए, आप भी पबजी में नहीं उलझे रहिएगा, पबजी को डिलीट करिएगा, अपना हाई स्कूल इंटर और अपना जो जॉब है आराम से पाइएगा, उसके बाद जो खेलना है वो खेलिएगा। अब फिर भी बात करते हैं, क्या बनना है आपको, क्या सपना है भविष्य में? तो आईपीएस अफसर बनना है। आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, एसपी बनेंगे जी। और एसपी बन के करेंगे क्या, करोड़ों कमाएंगे या कुछ बदलाव लाएंगे समाज में? नहीं, समाज में बदलाव लाएंगे और कुछ देश की सेवा भी करेंगे। देश की सेवा कैसे करेंगे, क्या कुछ खाका तैयार है दिमाग में? नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना सम्मान आर्मी ऑफिसर को मिलता है उतना सम्मान पुलिस वालों को नहीं मिलता है, क्योंकि पुलिस वाले सबसे ज़्यादा करप्शन करते हैं, लूटते ज़्यादा हैं जनता को, और बेमतलब अपना धौंसा जमाए हुए हैं, तो मैं वो कम करूँगा।
चलिए, तो हमारे साथ प्रवीण थे जिन्होंने सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करी, उसके बाद बलरामपुर में टॉप किया, जिले में सातवां स्थान पाया, और जिन्हें भविष्य में आईपीएस बनना है और उम्मीद है हमें यूं ही ये पढ़ते रहेंगे, यूं ही आईपीएस बनेंगे, और जब ये आईपीएस बनेंगे, वर्दी होगी, टोपी होगी, तब भी हम आएंगे माइक लेके और इनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि आप आईपीएस बनेंगे। और भी कुछ सलाह आपके जैसे जो बच्चे हैं आगे जाके जो छोटे हैं अभी भविष्य में हाई स्कूल करेंगे ट्वेल्थ करेंगे उनके लिए कुछ खास सलाह? जी यही है कि पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, और जो व्यर्थ की चीज़ें जैसे गेम खेलना है तो उनको आप खेलिए लेकिन एक सही समय तक है। लेकिन अब आपका पढ़ाई चालू हो गया है तो आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और जब फोकस कीजिए तो एक ही चीज़ पे कीजिए। मतलब ये नहीं कि आप फोकस मोबाइल चलाते हुए पढ़ रहे हैं कि मोबाइल मतलब मैसेज आया तो आप मोबाइल खोलने लगे चैट करने लगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, और अगर आपको मोबाइल चलाना है तो साइड में बैठ के मोबाइल कुछ देर तक चला दीजिए, बस यही एक मन लगा कुछ कोई काम। चलिए, तो टॉपर बनना है तो एक टॉपर की बात मानिएगा। टॉपर के भाई है जो कुछ कहना चाहते हैं तो हम चाहेंगे वो यहाँ पर आए, और क्या बात है अपनी बात रखिए, क्या कह रहे हो? पहले सर जनता का राज के थैंक यू उनको सबको धन्यवाद सर, थैंक यू, और जिन्होंने भाई के इतने अच्छे नंबर आए हैं सर, टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हम लोग एक गांव से आते हैं, बिहूनी का लगा हुआ है और पिछड़ा तो है ही, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या के मामले काफ़ी जनसंख्या की, अहरोली के बाद बिहूनी का लाई गाँव कैसा होता है जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है, स्कूल भी काफ़ी हैं गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन ये जो रेशियो है अगर आप फिफ्थ क्लास में देखेंगे तो ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं फिफ्थ क्लास में, इसके बाद रेशियो जैसे ही क्लास आगे बढ़ती जाएगी रेशियो जो बच्चों का वो कम होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो कारण है ये गार्जियंस का भी कारण है, क्योंकि गार्जियंस जो हैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में लिखवा देते हैं कि नाम लिख गया, यूनिफॉर्म मिल जाएगी, खाना खाने को मिलता है और बैठने को मिलता है, बाकी गार्जियंस का ये फर्ज नहीं है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि वो अच्छी शिक्षा करें, और अगर शिक्षित बनेंगे तो बात अलग हुई, नहीं तो आपने देखा गांव के अधिकतर जो लोग हैं खेती बाड़ी करते हैं, घूमते हैं, गुटखा खाते हैं और अन्य जगह काम पर जाते हैं, तो गार्जियंस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है अपने गार्जियंस को, बच्चों को देखना चाहिए ताकि वो भी पढ़ें, एक बच्चा जब पढ़ जाता है तो पूरा परिवार बेहतर हो जाता है, उनकी स्थिति समझ जाती है। और हमारे गांव में सर जो प्राथमिक स्कूल था सरकारी, तो जैसा कि आपने बताया कि सरकारी से हम तीनों लोग पढ़े हैं, वहाँ पे बतन सर थे बतन राजपूत जी पंचवाली के, तब वो आए थे तो उन्होंने जो है हमारा मार्गदर्शन अच्छे से किया है उन्हें सर। चलिए बढ़िया, तो विपिन राजपूत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बचपन में आपने इन सभी को तराशा है, उम्मीद है ये सभी तरस कर ऐसे ही लगातार चमकते रहेंगे, और आपको भी पुनः धन्यवाद देंगे हम, क्योंकि आप ही की वजह से ये लोग जो हैं ये कितना कर पाए हैं वो आगे भी कुछ करेंगे। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस इंटरव्यू को देखिएगा, शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चे उन्हें भी फायदा हो, प्रवीण को भी प्रोत्साहन मिले। प्रवीण एक बार बोल दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें। जी वीडियो को भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो को देखें और मोटिवेट और मोटिवेट हों, और सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लेकिन परमानेंट स्कूल भेजिए और देख रेख कीजिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। सिर्फ आपका ये मतलब नहीं कि बच्चों का एडमिशन करा दिया, बच्चों का एडमिशन तो कराए लेकिन बच्चे रेगुलर जा रहे हैं स्कूल कि नहीं जा रहे हैं, तो ये आपका इसका भी ध्यान रखें। रागिनी जी, अपने जैसी जो बच्चियाँ हैं उनके लिए खास संदेश क्या कहेंगे उन्हें आप? ये कहेंगे कि जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वो लोग भी पढ़ें, हमारे मम्मी पापा ने हमको पढ़ाया, आगे भी पढ़ाएंगे तो उनके मम्मी पापा भी उन लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए, तो मम्मी पापा से भी अपील है कि अपने बच्चों के साथ अपनी बच्चियों को भी पढ़ाइए ताकि वो भी बेहतर ज़िंदगी जी सकें। तो आप देख रहे जनता का राज, धन्यवाद।